हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है? टॉपोलॉजी का समझ में आ रहा है सारा? कोई टेंशन नहीं है? टेंशन जाएगा, पेंशन लेने? देखो बच्चों, हम लोग टॉपोलॉजी में पढ़ रहे थे क्लोज सेट्स। तो मैंने बताया था बेटा, क्लोज सेट्स की दो डेफिनेशन है। एक हमने पिछले आपको बताई थी, वो क्या थी डेफिनेशन, याद है आपको? मैंने बताया था कि जो ओपन सेट्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होते हैं? क्लोज्ड। आज मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है? और यही डेफिनेशन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली हम लोगों ने रियल लाइन टॉपोलॉजी में भी पढ़ी थी, है ना? तो इससे आपको सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। देखो बच्चों, क्या होता है, ये क्या होता है कि ए इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट, ठीक है? ए इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट, ठीक है? इफ ए डैश सबसेट ऑफ ए। ए डैश का मतलब देखो बच्चों क्या हुआ, ए डैश का मतलब होता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, या इसको हम डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी कहते हैं। डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी कहते हैं किसको? ए डैश को। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं बेटा पिछले वीडियोस में कि लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। आज थोड़ा देखो फिर समझा देंगे, परेशान मत हो। याद रखना पड़ता है बार बार चीजों को बेटा, हम भूलते हैं लेकिन याद रखना पड़ता है, ठीक है ना? तो देखो बच्चा, कि ए को क्लोज कहेंगे अगर ए डैश को क्या बोलते हैं कि डिराइव सेट ऑफ ए। और डिराइव सेट ऑफ ए क्या होता है, ये ए के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है, ठीक है? तो अगर ए डैश ए का सबसेट है तो हम ए को क्या कहेंगे बोलो? क्लोज्ड कहेंगे। ध्यान दो, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो आपको एक एग्जाम्पल यहां पर देता हूं, ठीक है? देखो कि मान लो मैंने, अब देखो बेटा सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स क्या है और टोपोलॉजी क्या है ना, ध्यान रखना। तो मान लो मैंने यहां पर एक्स एक सेट ले लिया, मान लो मैंने एक्स एक सेट ले लिया, यही मैंने देखो पिछले वीडियो में भी यही लिया था, ए बी सी डी ई, यही एग्जाम्पल देखो लिया था मैंने। और मान लो एक टोपोलॉजी मैंने डिफाइन की है, एक्स है, फाई है मान लो, फिर ए है, ठीक है? मान लो मैंने टोपोलॉजी डिफाइन की है, एक्स है, फाई है, ए है, और इसके बाद मान लो यहाँ पर देखो आ जाएगा, देखो यही एग्जैक्टली हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था, सी डी है, फिर मान लो अपना ए सी डी है, और फिर मान लो अपना बी सी डी ई है, ठीक है? ये देखो हमने टोपोलॉजी यहाँ पर डिफाइन किया, एक्स और फाई तो होना ही चाहिए। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, फिर देखो मैंने सी डी ले लिया, फिर मैंने ए सी डी ले लिया, फिर मैंने बी सी डी ई ले लिया। तो ये मैंने टोपोलॉजी को डिफाइन किया एक्स सेट पर। अब देखो बेटा, जैसे कि मान लो ये ओपन है, ये ओपन है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बी ई, क्योंकि देखो सी डी है ना, सी डी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए बी ई, है ना? कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कैसे निकालते, कि एक्स में से इसको माइनस करूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये ओपन है, तो इसी का देखो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसी का क्या है बोलो? ये कॉम्प्लीमेंट, इस ओपन सेट का ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि मान लो सी डी है, तो एक्स में से इसको माइनस करो तो सी डी निकल जाएगा, क्या बचेगा? ए बी ई। तो देखो ये जो है ये क्लोज्ड होगा क्योंकि ये ओपन है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ओपन का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है, समझ गए ना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स में से इसको माइनस करो, माइनस करने का मतलब जैसे इसमें सी डी है ना, सी डी, तो सी डी को निकाल दो तो क्या बचेगा? ए बी ई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। पिछले वीडियो मैंने बताया भी था आपको ये बात, ठीक है ना? तो देखो बच्चों कि अब ये क्लोज्ड होगा, तो देखो ये क्लोज्ड क्यों है। देखो जैसे ये ए, इसको हम ए मान लें, ए, ठीक है? तो ये ए है। अब हम ये चेक करें कि आखिर क्या ये इस बात को सेटिस्फाई करता है, अगर ये क्लोज्ड होगा तो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके डिराइव्ड सेट को निकालें। डिराइव्ड सेट का मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालें। देखो जैसे हम, अब देखो लिमिट पॉइंट याद है आपको? लिमिट पॉइंट क्या होता था बच्चों? देखो याद है आपको लिमिट पॉइंट क्या कहते थे? लिमिट पॉइंट कहते थे कि अगर मान लो पी कोई एलिमेंट है एक्स का, ठीक है, और जी क्या है? एक ओपन सेट है।
जी एक ओपन सेट है जिसमें कि पी आता है, तो मान लो पी जी में आता है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम जी में से पी को निकाल दें, है ना, अगर हम जी में से पी को निकाल दें और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए से लें, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए से लें, तो ये इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी कि पी को लिमिट पॉइंट कहेंगे, ये बता चुका हूं मैं आपको बेटा डिटेल से पहले। देखो अब जैसे समझो यहां पर ध्यान से, जैसे कि मान लो आपने ए ले लिया एक एलिमेंट, एक एलिमेंट आपने ए ले लिया, ठीक है, ए किसमें है, एक्स में, यहां पर भी देखो ए है, तो चेक करें कि क्या ए का लिमिट पॉइंट है ये, क्या जो ए है ये इस कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है, बात समझे, तो क्या ये स्मॉल ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट होगा, तो कब होगा। अब देखो कौन से ऐसे ओपन सेट हैं, ओपन सेट का मतलब ये जिनमें कि ए आता है, देखो जैसे x, x के पास तो सब कुछ है तो इसमें a आ रहा है, तो मतलब x एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें कि a आ रहा है। तो अब x में से a को निकाल दें, तो अगर हम x में से फॉर एग्जांपल a को निकाल दें, ठीक है, अगर हम x में से फॉर एग्जांपल a को निकाल दें तो क्या बचेगा बोलो, x में से अगर हम a को निकाल दें तो क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा ना, बी सी डी ई बचेगा, बी सी डी ई बचेगा। तो अब इसका ए से इंटरसेक्शन लो तो क्या वो फाई आएगा, नहीं आएगा, इसका ए से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा और ई मिल जाएगा, तो मतलब वो फाई नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट आया ना इसका ए से लेना है इंटरसेक्शन, जी में से पी को निकालो, जी क्या है, ओपन सेट, ऐसा ओपन सेट जिसमें कि ये पॉइंट आता है। तो जैसे x में ये वाला पॉइंट आता है a, तो x में से a को निकालो, तो x का मतलब ये a निकलेगा तो बी सी डी ई बचेगा, तो बी सी डी ई और इसका आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बोलो, b और e आएगा, तो देखो ये phi नहीं आया, इसका मतलब स्मॉल a क्या है बोलो, लिमिट पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल a क्या है बोलो, लिमिट पॉइंट। अब देखो बाकी और भी चेक करो, और भी चेक करो, समझो जरा ध्यान से, सॉरी अभी नहीं, अभी और भी चेक करने पड़ेंगे ना, सारे चेक करने पड़ेंगे। देखो जैसे ये भी है, इसमें भी a आ रहा है, लेकिन अगर आप a में से a को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, फाई, क्योंकि सारे ओपन सेट देखने पड़ते हैं, वो सारे ओपन सेट देखने पड़ते हैं जिनमें वो पॉइंट आ रहा हो। तो देखो इसमें भी ये पॉइंट आ रहा है, अगर इसमें से इसको निकालोगे, तो अगर हम इसमें से इसको निकाल दें तो फाई आ जाएगा, अगर आप फाई से इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, इसका मतलब ए जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, नॉट लिमिट पॉइंट, ए जो है ये लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें ए आ रहा है, और अगर हम उसमें से ए को निकाल दें और निकालने के बाद जो आया उसका ए से इंटरसेक्शन ले लें तो वो फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब जो ए है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अच्छा मान लो हम बी को चेक करें, देखो बी, बी एक एलिमेंट है, बी को चेक करें, तो देखो बी कौन कौन से ओपन सेट है जिसमें बी है, देखो इसमें बी है तो हमेशा ही होगा एक्स में, तो अब एक्स में से बी को निकाल दो, x में से b को निकालोगे तो क्या क्या बचेगा, a c d e बचेगा, a c d का a से इंटरसेक्शन लोगे तो फाई नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े, देखो इसमें भी b है, अब इसमें से b को निकालोगे तो क्या बचेगा, c d e, c d e का अगर आप इससे इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बचेगा, e बचेगा, इसका मतलब b हमारा लिमिट पॉइंट है, है ना, क्योंकि देखो b लिमिट पॉइंट है, क्योंकि देखो एक ओपन सेट ये है जिसमें b आ रहा है और एक ओपन सेट ये है जिसमें बी आ रहा है। अब जैसे मैंने ये ओपन सेट लिया, इसमें से बी को निकाल दिया तो क्या बचेगा, ए सी डी ई बचेगा, ए सी डी ई बचेगा, उसका ए से इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन तो आ ही जाएगा, देखो ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीजें। अच्छा अब देखो दूसरा ये है, इसमें भी देखो बी आ रहा है,
तो इसमें से बी को निकालोगे तो क्या बचेगा, सी डी ई। अब सी डी ई का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन फिर आ जाएगा, इसका मतलब बी क्या है, लिमिट पॉइंट है। अच्छा ई को चेक करें, ई क्या लिमिट पॉइंट है बोलो। अब ई एक्स में तो ई होगा, तो एक्स वाला चेक करने से फायदा नहीं होता है क्योंकि एक्स वाला सेटिस्फाई करता ही करता है। अब देखो ई इसमें भी है तो क्या बचा, इसमें से ई को निकालो तो क्या बचा, बी सी डी। बी सी डी का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो फिर फाइन नहीं आएगा, तो देखो ई भी हमारा लिमिट पॉइंट है। तो ए बी ई को चेक कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो सी और डी बचा, सी डी को चेक करो क्योंकि लिमिट पॉइंट इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो सी को चेक करें, सी इसमें है, इसको चेक करने से फायदा नहीं क्योंकि वो हमेशा सेटिस्फाई करता ही करता है। सी देखो इसमें है, तो सी इसमें से सी को निकालोगे तो क्या बचेगा, डी। डी का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बच जाएगा, फाइव। इसका मतलब देखो डी हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो डी इसमें है, इसमें से डी को निकाल दो तो सी बचेगा, सी इसमें से डी को निकाल दो सी बचेगा, जो बचा सी बचा, सी का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। इसका मतलब डी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार सी को चेक करो, देखो सी सी इसमें है, इसमें से सी को निकाल दो तो डी बचेगा। अब डी बचेगा, उसका इंटरसेक्शन इससे लोगे तो फाइव आ जाएगा, इसका मतलब सी भी हमारा लिमिट पॉइंट नहीं। देखो फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ, यही बात जो मैंने आपको समझाई अभी यहाँ पर, देखो फिर समझो ध्यान से। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि जो ए है ना, ए इसका डिराइव्ड सेट क्या हो गया, इसमें बी और ई आया क्योंकि ये दो इसके लिमिट पॉइंट हैं, और डिराइव्ड सेट जो है वो ए का सबसेट हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए क्या है बोलो, क्लोज्ड है, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब इसका डिराइव सेट देखो ये इसका सबसेट हो रहा है, और डिराइव सेट का मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट। लिमिट पॉइंट मैंने क्या बताया कि भाई हर एक ओपन सेट उठाओ, उसको चेक करो, उसमें से उस पॉइंट को निकाल दो, फिर जो आए उसका ऐसे इंटरसेक्शन लो, है ना। आपने ओपन सेट लिया जी, जी में से उस पॉइंट को निकाल दिया, उसके बाद जो आया उसका ऐसे इंटरसेक्शन लिया, और वो इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए, अगर फाई आएगा तो फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, है ना। देखो जैसे मैंने बताया ना, बी को लिया, अब बी इसमें है तो इसमें क्या क्या है, ए बी सी डी ई है, इसमें से बी को निकाल दो तो ए सी डी ई बचेगा, ए सी डी ई का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और ई आ जाएगा, तो फाई नहीं आया, कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएंगे ना, फाई नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार देखो बी इसमें भी है, अब इसमें से बी को निकाल दो तो सी डी ई बचेगा, है ना, उस ओपन सेट में से उस पॉइंट को निकाल दो, तो जैसे बी पॉइंट को इसमें से निकाल दिया तो सी डी ई बचा, सी डी ई का जो बचा है ना, इसमें से इसको निकाल दिया तो क्या बचा, सी डी ई बचा। सी डी ई का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ई बच जाएगा, इसका मतलब बी क्या है, लिमिट पॉइंट। इस तरीके से चेक करते हैं, और ये प्रोसेस बेटा लिमिट पॉइंट को निकालने की मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बहुत डिटेल से। ये प्रोसेस लिमिट पॉइंट को निकालने की मैंने पिछले भी एक वीडियो में बहुत डिटेल से समझाई थी, तो उसी का आज मैंने यूज किया है। तो बेटा बहुत जरूरी होता है कि पुराने वीडियो पढ़ लो पहले, नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि देखो चीजें कनेक्टेड है। पुराने वीडियो का बेटा जरूर हर जगह यूज हो रहा है, तो पुराने वीडियो को अच्छे से पढ़ोगे तो देखिए एक बात समझ में आएगी, बेटा बताओ ही जब पुरानी चीजें नहीं आएंगी तो नई चीज कहाँ से आएगी। तो बार बार मैं कहता हूँ लिमिट पॉइंट मैंने समझाया था, लिमिट पॉइंट को पढ़ो तो ये बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये एक और डेफिनेशन है क्लोज सेट की, कि किसी भी सेट को क्लोज कहेंगे अगर उसका डिराइव्ड सेट जो है वो उसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब छोटा या बराबर दोनों ही होता है, ध्यान रखना, सबसेट में छोटा भी आता है और बराबर भी आता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात बच्चों आप ध्यान से समझिए क्लोज सेट क्या होता है, फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छी अच्छी बातें समझेंगे, जैसे अभी क्लोजर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी कई बातें हम लोग को सीखनी है और धीरे धीरे करके सारी बातें हमारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।